स्वाभाविक सबके मन में तीन प्रश्न होता है, तो एक राजा ने एक राजघराना के राजा की दरबार में राज पंडित थे, भागवत कथा कहते थे, वो तो उनका संसार थे, बाल बच्चे थे, तो भागवत पारायण कर देता है और राज्य पैसा देता है, वो अपना गुजारा करता है। तो दीर्घ दिन हो गया, तो राजा ने एक दिन प्रश्न कर दिया तीन, पंडित जी आप तो भागवत अपने कंटेस्ट कंट्रीब्यूट कर लिया, उनके इतना भागवत पढ़ते पढ़ते याद हो गया ये भागवत कंटेस्ट है। तो राजा प्रश्न कर दिया, आपको तो भागवत पूरा कंटेस्ट है, तो हमारा तीन प्रश्न है, इनका थोड़ा समाधान कर दो, बताओ प्रभु। फिर राजा कहा हम जत संभव कर सके, तो बताओ भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ रहती है और भगवान का शक्ति कितनी है और भगवान किस तरीका मिलता है, भगवान के मिलने क्या उपाय है, ये तीन प्रश्न है, ये सबकी है। भगवान कहाँ रहता है हमको जानकारी नहीं, भगवान का शक्ति कितनी है इनमें भी जानकारी नहीं, और किस तरीका से मिलेगा भगवान को, भगवान के मिलने के लिए सब घर छोड़ के आए ना। तो राजा ने तीन प्रश्न वो पंडित जी कह दिया, तो राजा तो ऐसा पंडित तो अनुभव तो थे ही नहीं, मुखस्थ कंठस्थ विद्ध है, तो उनका तो माथा घूम गया, अब इससे आप प्रश्न तो कोई किया नहीं उनका पर्यंत है, तो ठीक है राजा महोदय हमको कुछ समय देना चाहिए देखेंगे, हैं ठीक है 7 दिन समय दे रहा है, एक महीने समय, एक महीने के अंतर तुम्हारे प्रश्न उत्तर देना पड़ेगा, तुम्हारी जो नौकरी है तंका फंके कुछ मिलेगा नहीं, या तो छुट्टी लेना पड़ेगा, तीन प्रश्न जवान। तो से पंडित जी गए हैं घर में, गए दुखी होके गए, कैसे का इस श्लोक कहने से राजा महोदय प्रसन्न होगा, इस श्लोक मतलब विचार कर रहा है, इस श्लोक कहने से कि राजा महोदय होगा, ऐसे करते करते वो समाधान कर नहीं पाए, अंतिम समय आ गया, अंतिम दिन आ गया, घर की सब दुखी है, तो दुखी होके वो घर से निकाल गया, बज में ही था जमुना किनार में चिंता कर रहा है, हाँ प्रभु हमारा नौकरी चला जाएगा, बाल बच्चा कैसे खाएगा, राजा का जो प्रश्न का जवाब ना दे सके तो क्या करूँ, वो चिंता में मग्न है। तो पंडित है, सरल है, लेकिन जानकारी है नहीं, ठाकुर जी की दया आ गई, हैं ठाकुर जी बालक विष में आ गया, कि पंडित जी क्या सोच रहा है, क्या सोचती है, भाषा थोड़ा उल्टा होगा, क्या सोचती है, अरे बापू जाओ आप, हमारा तो माथा दिमाग खूब खराब है, हैं हमारा जो है तुमको, तुम तो बालक है, तुम कहे तुमको हमारा उत्तर कुछ होगा, कुछ होगा, तुम जाओ खेल जाओ, हम चिंता करने दो। अरे पंडित जी कहो तो सोई, क्या चिंता कर रही है, हैं तुमको कहने क्या होगा, हमारा कुछ होगा, लाभ होगा, होगा नहीं, हम बहुत गहरा चिंता में है, तो बताओ तो सो क्या चिंता में है, आप सुन तो ले कम से कम। तो कहते देखो इस देश का जो राजा है हमको तीन प्रश्न कर दिए और उसका हमको उत्तर मिलता नहीं है, क्या प्रश्न किया तो तुमको क्या करे, मुझे बोलो सुनेगा कम से कम है। तो पंडित जी राजा कहा देखो भगवान कहाँ रहता है, भगवान का शक्ति कितनी है और भगवान कैसे मिलेगा, तो यही प्रश्न तो तुमको तो होगा नहीं है, ठीक है इसके लिए तुम चिंता कर रहे है? ठीक हाँ भाई हाँ उत्तर देगा, आप पड़ेगा तुम बालक है पंडित जी चिंता मत करो, हम जाएगा हमको ले चलो राजबाड़ी राजदरबार में, तुम कह देना जे बालक उत्तर देगा है, फिर हम देख लेगा आपको ले चलो, तब तो हमको प्राण बचा लिया आप, हमारे संसार जाने वाला बचा लिया। तब वो बालक के ले गया राज दरबार में, राजा तो सिंहासन बैठी है, कि पंडित जी हमारा उत्तर हो गया, तो कहते राजा मोसाई ये बालक है ना, ये बालक उत्तर देगा, अरे
तुम इतना बड़ा पंडित है, शास्त्र तुम्हारा कंठस्थ है, भक्त कौन, तुम उस शास्त्र को जवाब दे ना सके प्रश्न का, अरे दुग्ध पुष्य बालक, जो दूध पीने वाला बालक है जवाब देगा है, जाओ 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 तुम्हारा माथा गर्म मत करो। तो बालक कहते है देखो राजा मशाई आप बोलो तो आपका प्रश्न क्या है, हम जब ना पढ़े तो हमको जो कहना पंडित जो कहना कह दो, तुम बोलो क्या तुम्हारा प्रश्न है, है? तो वो तो वृक्ष कह रहे बोलो बोलो भगवान कहाँ रहता है बताओ। तो बालक तो बालक ही है, वो थोड़ी इधर दिख रहा है उधर दिख रहा है, ऐसे माथा चुनका रहा है। तो बोलिए बाप हमारा राज कर्मचारी से हमारा काम बिगाड़ देगा, ले जाओ बालक ले जाओ तुम्हारा बड़ा वसुगन है। तो बालक कहे देखो हम को भूख लगी, वो दूर चल के आए ना भूख लगी। तो राजा मुझसे इशारा कर दिया, तो कर्मचारी एक कटोरी में दूध लेके आए, बालक दूध ही खाते पिए रखते हैं, ले बालक पी ले। तो बालक तो इधर देखता है, कभी उंगली दिखता है, ऐसा दिखता है, इसमें दिखता है, खाते नहीं। राजा का और जलन हो गया, अरे कहाँ से पकड़ के लाए पागल बालक है, कहाँ से ले आए, जाओ ले जाओ। नहीं राजा मशाई हम देख रहा है, हम तो दूध पीते नहीं, हम घी पीता है, हम घी पीते है इसलिए देख रहे कहाँ घी है। अरे मूर्ख बालक, राजा के मूर्ख बालक, ऐसा थोड़ी घी मिलता है, तो कैसे मिलता है, पहले तो उनका खट्टा गरम कर उबालना पड़ेगा, फिर खट्टा के जमाना पड़ेगा, जमान के सुबेरे सुबेरे, पहले तो अब तो मशीन हो गया, मंथन करना पड़ेगा, मंथन करते करते माखन निकलेगा, माखन के होता है तो भी दिखाई पड़ेगा नहीं घी, फिर आग में तपाना पड़ेगा, तापते तापते तब तब घी निकलेगा। तो राजा मशाई कहते राजा मशाई आपको तो दो प्रश्न का जवाब हो गया उत्तर ना, फिर ये तो थोड़ा भूल गए, इसलिए कि भूल गए, पहले तो कहा बालक देखो आप ठीक है, तो दो प्रश्न जवाब हो गया कह रहा है, कुछ कैसे, तो देखो भगवान कहाँ है, तुम कहे भगवान कहाँ रहता है, तो भगवान कहाँ है, सर्व जैसे दूध में घी कहाँ है नहीं, हर जगह में सब दूध पूरा मिला हुआ है एकदम पोत पोत में, तो भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र भगवान है, है? कहाँ नहीं भगवान, सब जगह में भगवान है, है? और भगवान मिलना कैसा, तो जैसा आप कह रहा है पहले जमाना पड़ेगा, इसे तुम्हारा पहले सदगुरु के पास दीक्षा लेना पड़ेगा, दीक्षा लेने के भजन रूप मंथन, भजन रूप मंथन है, हमको जो नाम जप करना पड़ेगा, जप करते करते मन का मंथन होगा है, अष्टकंप पुलक सेद वैगुण आएगा है, मंथन वही मंथन है, है करते करते तेरी माखन निकलेगा है, फिर भगवान का ज्योति दर्शन होगा, कभी कभी धाम दर्शन होगा है, फिर अनुराग अनुराग रूपी आग से तापना पड़ेगा है, तापना पड़ेगा, तापते तापते विरह में तापते 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 जब तुम एकदम तुम्हारा समस्त जड़ गंती खुल जाएगा, भगवान का कृपा होगा, तब वो घी निकलेगा, इसी तरह भगवान दर्शन होगा, तुम्हारे दो प्रश्न जब हो गया। तो राजा का विज्ञान की बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा बालक, बहुत सुंदर बात, खूब सुंदर बोलो बोलो, तो ठाकुर जी का भगवान का शक्ति कितनी है, तो देखो राजा मशाई है ये तरीका थोड़े मतलब प्रश्न करने का तरीका थोड़ी ऐसा होता है, जो वक्ता है वो तो ऊंचा में रहेगा ना सिंहासन है, आज जो सोता नीचे में रहेगा, अब राजा है सिंहासन बैठे है और वक्ता नीचे में, वो प्रश्न जवाब एक थोड़ा मतलब एक तरीका थोड़ी होता है, तो लाग गया राजा का है, सही बात कह रहा है, क्योंकि राजा सिंहासन बैठे थे है, तो बालक तो है वो उतार के गोदी में लेके राज सिंहासन में बैठा दिया बालक, अब बताओ, वो नीचे बैठ गया, अब बताओ बेचार बताओ कहे तो हो गया आर बताओ कहे तो हो गया प्रश्न कैसे, तो देखो ये राज सिंहासन साधारण आदमी का है, हम तो भिखारी के बालक है, हैं हम कैसे बैठा दिया, और आप राजा होके नीचे बैठ गया, तो भगवान का शक्ति नेक में खनिक में राजा को भिखारी बना देता है, भिखारी के राजा में भगवान कैसे, तुम्हारे पास सिंहासन सबसे बड़ा है,
क्योंकि राजभिमान है ना, सब सिंहासन बड़ा है ना, तो ठाकुर जी की यदि इच्छा है ना तो नेक्स्ट समय से तुम्हारा सिंहासन तोड़ के भिखारी के बना देगा, हैं भगवान की इच्छा हो, और भिखारी को राजा बना देगा। और बड़ा बड़ा भगवान का शक्ति है, जब भजन करेगा तब तो भगवान का शक्ति, क्या शक्ति है मालूम महसूस होगा। अब तो सिंहासन तुम्हारी बड़ी है, इसलिए भगवान शक्ति ऐसा है, देख हम भिखारी का बालक है ना, देख सिंह राजा बना दिया। जय जय श्री राम।